सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से जो हमारी सीरीज़ है उसे हम कंटिन्यू करेंगे, और ये वीडियो होने वाली है उस सीरीज़ का पार्ट 5। पहले के 4 पार्ट वो पहले ही चैनल पर आ चुके हैं, अगर आपने नहीं सुने हैं तो सबसे पहले आप उन्हें सुन लें। तो लगा लीजिए हेडफोन्स और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को सभी के सभी लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उस राजा के आदेश पर संजीव और विश्वजीत निकल पड़े थे उस पहाड़ी की ओर, जहाँ उन्हें मिलने वाला था एक ऐसा जादुई पौधा जिसकी मदद से औषधि बनने वाली थी। उस राजा की तरफ से संजीव को ढेर सारा खाना दिया गया था ताकि रास्ते में उसे कोई तकलीफ ना हो, और राजा के कुछ सिपाही संजीव को लेकर उस पहाड़ी की ओर चले गए। काफी लंबा सफर तय करने के बाद संजीव और विश्वजीत उस पहाड़ी पर पहुंचे, और वहां वो जो सिपाही थे वो रुक गए और उन सिपाहियों ने कहा, यहां पर हमारा काम पूरा हुआ। महाराज ने कहा था कि आपको पहाड़ी तक छोड़कर आ जाए, इसके आगे जाना आपकी जिम्मेदारी है। आप जाकर वो पौधा लेकर आइए, हम आपका यही इंतज़ार करेंगे। ये कहकर वो सिपाही वहीं पर रुक गए और संजीव और विश्वजीत उस पहाड़ी की तरफ चल पड़े। वो दोनों पहाड़ी के अंदर जाने लगे और धीरे धीरे उन्हें पता चल गया कि वहाँ आखिर बात क्या है। जैसे हालात बताए थे उस राजा ने, वैसे ही हालात थे उस पहाड़ी पर। उस राजा ने बताया था कि वो जो पहाड़ी है उसमें कई सारी बुरी शक्तियों का साया है, और जैसे ही संजीव ने वहाँ पहला कदम रखा उसे एहसास हो गया कि वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई सारी बुरी शक्तियों का साया है, और वो बुरी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। विश्वजीत ने संजीव से कहा, क्या तुम भी कुछ महसूस कर पा रहे हो? जिसके जवाब में संजीव ने कहा, हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी बुरी शक्तियां हैं, हमें यहां से जल्दी वो पौधा लेकर जाना पड़ेगा। जिसके जवाब में विश्वजीत ने हाँ में सर हिलाया। वो दोनों आगे बढ़ते गए और पहाड़ी के अंदर अंदर जाते रहे। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे वो जो जंगली इलाका था वो घना होता जा रहा था। विश्वजीत ने एक बार संजीव से कहा, हम इस जंगल के काफी अंदर आगे हैं, अब क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? और फिर संजीव ने कहा, राजा के कहे मुताबिक वो जो जादुई पौधा है वो हमें जंगल के बीचों बीच मिलेगा, तो सबसे पहले हमें जंगल के बीचों बीच पहुंचना होगा। संजीव और विश्वजीत वहां से चलते रहे और चलते चलते काफी ज्यादा अंधेरा और रात हो गई। जैसे ही वहां अंधेरा होने लगा वैसे वैसे ही वहां अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गई। अजीब सी आवाजें और अजीब सा मौसम बनने लगा उधर, ऐसा लग रहा था जैसे बुरी शक्तियां अपने आप को जगा रही हो। संजीव और विश्वजीत आसपास देखे जा रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। विश्वजीत ने कहा, मुझे लगता है कि हमें किसी सुरक्षित जगह पर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बुरी शक्तियां हमारे चारों तरफ हैं, अगर हमारा उनसे सामना हो गया तब हमें थोड़ी ताकत की ज़रूरत होगी, लेकिन काफ़ी चलने की वजह से हमारी ताकत जो है वो कम हो गई है। संजीव ने जैसे ही ये बात सुनी तब उसने हाँ में सर हिलाया, और विश्वजीत ने वहाँ रहने का इंतज़ाम किया। उसने वहाँ पर कई सारी लकड़ियाँ लाकर वहाँ आग जला दी। संजीव और विश्वजीत दोनों आग के पास बैठे ही हुए थे, तभी अचानक से विश्वजीत को आसमान में एक अजीब से उड़ता हुआ उल्लू नज़र आया, जिसे देखकर विश्वजीत ने कहा, वो आसमान में क्या है? और जैसे ही संजीव ने यह बात सुनी तब उसने आसमान में देखा, तब उसे भी वो बड़ा सा उल्लू नजर आया, और उस उल्लू को देखकर संजीव ने कहा, ये तो उल्लू है, इससे घबराने की क्या बात है? और फिर विश्वजीत ने कहा, उल्लू इतना बड़ा, ये कोई साधारण उल्लू तो नहीं लगता, क्योंकि उल्लू इतने बड़े नहीं होते, हो ना हो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। और जैसे ही संजीव ने यह बात सुनी तब संजीव ने उस उल्लू को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा।
और ये कहकर संजीव ने बजरंगबली का नाम लेना शुरू किया। और बजरंगबली का नाम लेते ही वो जो उल्लू था वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वो उल्लू अपनी जो मुंडी थी उसे गोल गोल घुमाने लगा, और वैसा कर पाना किसी आम उल्लू की बस की बात नहीं थी। और फिर संजीव समझ गया कि वो उल्लू कोई साधारण उल्लू नहीं है। विश्वजीत ने उस उल्लू को देखते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो अपने असली रूप में आओ, वरना तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। और तभी उस उल्लू ने एक अजीब सी आवाज में कहा कि तो समझ गए कि मैं कोई साधारण उल्लू नहीं हूं, इंसान और आत्मा। बहुत दिन हो गए भोजन नहीं किया, यहाँ कोई साधारण मनुष्य आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज मैं तुम दोनों को अपना भोजन बनाकर अपनी भूख शांत करूंगा। उस उल्लू ने देखते ही देखते एक चुड़ैल का रूप ले लिया, और उस चुड़ैल को देखकर संजीव और विश्वजीत दोनों अपने कदमों को पीछे लेने लगे। विश्वजीत ने कहा, दिखने से तो ये बहुत शक्तिशाली लगती है चुड़ैल, क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? और फिर संजीव ने कहा, करना क्या है, मुकाबला करेंगे? संजीव एक बार फिर से ध्यान अवस्था में बैठ गया, और विश्वजीत ने भी मुकाबला करने का मन बना लिया था। उस उल्लू ने एक अजीब सी आवाज में चिल्लाना शुरू किया, और उसकी आवाज इतनी ज्यादा अजीब और डरावनी थी जिसकी वजह से संजीव के जो कान थे वो काफी ज्यादा दर्द करने लगे थे। उसकी चिल्लाने की आवाज जो थी वो काफी ज्यादा ताकतवर थी, और उसके चिल्लाने से संजीव के सर में दर्द हो गया था। विश्वजीत पर इसका कोई असर नहीं था, इसलिए उसने उस उल्लू को मारने की कोशिश करी, लेकिन वो उल्लू जरूरत से ज्यादा फुर्तीला था। वो काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा था, जिसकी वजह से विश्वजीत उसका जो मुकाबला था वो ठीक से नहीं कर पा रहा था, और उसके चिल्लाने की वजह से संजीव का सर काफी जोरों से दर्द कर रहा था। संजीव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी उसका जो एक हाथ था वो चमकने लगा, और अपना चमकता हुआ हाथ देखकर संजीव काफी ज्यादा हैरान था। विश्वजीत ने संजीव का चमकता हुआ हाथ देखा, तब विश्वजीत ने कहा, ये कौन सी कला है, तुम्हारा हाथ चमक क्यों रहा है? जिसके जवाब में संजीव ने कहा, मुझे नहीं पता ये आखिर मेरे हाथ को हो क्या रहा है। और तभी संजीव ने अपने हाथ को थोड़ा सा हिलाया, और उसके हिलाने भर से ही वहां पर एक पेड़ था, वो पेड़ उखड़कर नीचे गिर गया, और वो पेड़ सीधा उस उल्लू पर जा गिरा, जिसकी वजह से वो उल्लू जमीन पर आ गिरा, और वो पेड़ उस उल्लू के ऊपर गिर गया, और वो उल्लू दब गया। वो उल्लू काफी जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन इस बार उसके चिल्लाने का जो असर था वो संजीव पर नहीं हो रहा था। संजीव चलता हुआ उस उल्लू के पास गया, और उस उल्लू ने कहा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूं यहां पर, मेरी मदद करो। और जैसे ही विश्वजीत ने यह बात सुनी, तब विश्वजीत ने कहा, अच्छा हम तुम्हारी मदद करें, तुम हमें मारने आए थे और हम तुम्हारी मदद करें, क्या बात है। और फिर उस उल्लू ने कहा, मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम जो बोलोगे उस चीज का जवाब दूंगा। जैसे ही संजीव ने यह बात सुनी, तब संजीव ने विश्वजीत से कहा, इसे आजाद कर दो, बदले में इससे पूछो कि वो जो जादुई पौधा है जिससे औषधि तैयार की जाती है वो हमें कहाँ मिलेगा। संजीव की बात मानकर विश्वजीत ने ऐसा ही किया, और उसके जो ऊपर जो पेड़ था उसे हटा दिया, और वो उल्लू घायल अवस्था में वहीं जमीन पर पड़ा रहा, उसके पंखों में चोट लग गई थी। और फिर उस उल्लू ने कहा, वो जो जादुई पौधा है जंगल के बीचों बीच मिलेगा, लेकिन वो पौधा लेना काफी ज्यादा मुश्किल है, उसकी रक्षा उसके रखवाले करते हैं, और
उसे लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और फिर संजीव ने उस उल्लू से पूछा, आखिर हम उस पौधे को पहचानेंगे कैसे? जिसके जवाब में उस अजीब से उल्लू ने कहा, वो जो पौधा है रात के 2 बजे चमकता है, उसकी जो रोशनी है वो काफी दूर दूर तक जाती है, उसे काफी दूर से भी देखा जा सकता है लेकिन उसे पाना काफी मुश्किल है। जैसे ही संजीव ने ये बात सुनी तब उसने हाँ में सर हिलाया और विश्वजीत ने कहा, तो देर किस बात की है, चलो चलते हैं वहां पर। और ये कहकर विश्वजीत वहां से जाने लगा और संजीव ने विश्वजीत को रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? और फिर विश्वजीत ने कहा, पौधे को लेने, अब यहाँ क्या काम है? जिसके जवाब में संजीव ने कहा, हाँ वो तो ठीक है लेकिन ये घायल है। और जब विश्वजीत ने ये सुना तब विश्वजीत ने कहा, तो अपना क्या जाता है, पड़े रहने दो घायल, अब तुम क्या सोच रहे हो इसकी मदद करने की? हाँ अगर हम इसकी मदद करेंगे तो ये हमें मार देगा, चलो यहाँ से। और जैसे ही विश्वजीत ने ये बात सुनी तब विश्वजीत ने कहा, हम किसी को ऐसे घायल अवस्था में नहीं छोड़कर जा सकते, हमें इसकी मदद करनी होगी। संजीव ने उस उल्लू के सर पर हाथ रखा और उस उल्लू से कहा, हम तुम्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, कोई रास्ता है तुम्हारे पास? और जैसे ही उस उल्लू ने ये बात सुनी तब उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई और उस उल्लू ने कहा कि, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, अब तुम मेरी मदद करना चाहते हो? और वो उल्लू धीरे धीरे चमकने लगा। उस उल्लू के अंदर से इतनी तेज रोशनी निकली जिसकी वजह से संजीव की जो आंखें थी वो चकाचौंध हो गई और संजीव ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही कुछ देर बाद संजीव ने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की वहां पड़ी हुई थी, जिसे देखकर विश्वजीत ने कहा, वो उल्लू कहाँ चला गया और ये लड़की कहाँ से आई? जिसके जवाब में संजीव ने कहा, ये तो मैं भी सोच रहा हूं, तुम हो कौन और यहां तो एक उल्लू था ना, यहां पर तो एक उल्लू था ना। जिसके जवाब में उस लड़की ने जवाब दिया कि वही वो उल्लू है। संजीव अपना सर खुजाने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उस लड़की ने जवाब दिया कि वो एक श्राप के कारण एक उल्लू बन गई थी और जिसने उसे श्राप दिया था वो एक ऋषि था। उस ऋषि ने कहा था कि कई सालों बाद एक महान संत आएगा और वो तुम्हें आज़ाद करेगा। संजीव ने फिर कहा, तुम रहती कहाँ हो? और उस लड़की ने जवाब दिया कि वो पास के ही एक गांव में रहती थी लेकिन कई सालों पहले वो उल्लू बन गई थी और वो इधर से उधर भटक रही थी। संजीव ने फिर उस लड़की से कहा, ठीक है। और फिर विश्वजीत ने कहा, अब क्या करना है? जिसके जवाब में संजीव ने कहा, सबसे पहले तो इस लड़की को इसके घर छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम वापस आएंगे। संजीव और विश्वजीत दोनों उस लड़की को लेकर उस पहाड़ी के बाहर निकले और सुबह इसी में हो गई। सुबह के वक्त जब वो पहाड़ी से बाहर निकले तब जो सिपाही उनका इंतज़ार कर रहे थे उन सिपाहियों ने सोचा कि वो संजीव जादुई पौधा लेकर आ रहा है और वो सिपाही काफ़ी खुश हुए। उन सिपाहियों ने संजीव से कहा, क्या बात है, आप इतनी जल्दी वो जादुई पौधा लेकर आ गए? जिसके जवाब में संजीव ने कहा, नहीं मैं वो जादुई पौधा लेकर नहीं आया, असल में ये लड़की हमें जंगल में मिली, हम चाहते हैं कि आप इस लड़की को इसके घर पहुंचा दें। जैसे ही ये बात उस सिपाही ने सुनी तब उस सिपाही ने हाँ में सर हिलाया और एक सिपाही उस लड़की को उसके घर छोड़ने के लिए उसके साथ चला गया। एक बार फिर से संजीव और विश्वजीत उस पहाड़ी के अंदर चले गए और अपना सफ़र वापस से तय करने लगे। चलते चलते फिर से उन्हें रात हो गई और इस बार उन्होंने आराम ना करने का फैसला किया। वो चलते जा रहे थे और चलते चलते उन्होंने काफ़ी लंबा रास्ता तय कर लिया था। वो जंगल के अंदर घुसे जा रहे थे
तभी विश्वजीत ने एक चमकती हुई चीज देखी और उस चमकती हुई चीज को देखकर विश्वजीत ने कहा, वो कहीं वही तो वो पौधा नहीं जो चमक रहा है। और संजीव ने उस दिशा में देखा, तब उसे वही पौधा नजर आया और विश्वजीत और संजीव दोनों काफी तेजी से उस पौधे की तरफ बढ़े। वो उस पौधे के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक से संजीव एक काफी गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लगी। और फिर विश्वजीत ने जब संजीव को उस गड्ढे में गिरा हुआ देखा, तब विश्वजीत ने कहा, ये क्या हो गया, ये इतना गहरा गड्ढा? और फिर संजीव ने कहा, ये किसी शिकारी द्वारा बिछाया गया जाल है। और जैसे ही विश्वजीत ने संजीव को इतना दर्द में देखा, तब विश्वजीत ने कहा कि रुको, मैं रस्सी लेकर आता हूं। विश्वजीत इधर उधर किसी लंबी रस्सी की खोज में भटकने लगा, लेकिन उसे रस्सी कहीं भी नहीं मिली। और फिर उसने एक पेड़ देखा जिससे लंबी लंबी बेलें लटक रही थी, और विश्वजीत ने उन बेलों को काट दिया और उन बेलों को रस्सी बनाकर उस गड्ढे में अंदर डाला। उन बेलों को पकड़कर जैसे तैसे करके बाहर आया, लेकिन उसके हाथ पर काफ़ी चोट लग गई थी और उसके सर से भी थोड़ा बहुत खून बह रहा था। उन दोनों की मुसीबतें यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, तभी अचानक से उन्हें एक शेर की आवाज़ सुनाई दी। और उस शेर की आवाज़ सुनकर संजीव ने कहा, कोई शिकारी शेर है यहाँ पर जो हम पर नज़र रख रहा है। हो ना हो, ये जो जाल था ये शिकारी द्वारा बिछाया गया था इस शेर के लिए, लेकिन इस गड्ढे में हम गिर गए। और तभी अचानक से एक जंगल में से एक काफ़ी बड़ा शेर निकल कर आया और उस शेर ने संजीव को देखकर गुर्राना शुरू कर दिया। संजीव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या किया जाए। तभी अचानक से उस शेर ने संजीव की तरफ कदम बढ़ाने शुरू करे और विश्वजीत ने कहा, क्या करे, क्या मैं इस शेर को मार दूं जान से? और फिर संजीव ने कहा, नहीं ऐसा मत करो, मैं देखता हूँ। और संजीव काफ़ी ज़्यादा घायल था, उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन वो शेर संजीव की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी वहाँ ढेर सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और उन आवाज़ों को सुनकर संजीव ने चैन की सांस ली। वो जितने भी लोग थे वो सब आदिवासी थे और उनकी आवाज़ सुनकर वो शेर वहाँ से भाग गया। जैसे ही वो आदिवासी वहाँ पर आए और उन्होंने संजीव को देखा, तब उन्होंने संजीव को देखते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में संजीव ने कहा, प्रणाम, मैं हनुमान जी की खोज में निकला हूँ। और जैसे ही ये बात उस आदिवासी ने सुनी, तब उसने जो हथियार थे अपने वो नीचे कर लिए और फिर उसने संजीव से कहा, तो आप हनुमान जी की खोज में निकले, आइए आपका स्वागत है, हमारे कबीले में आपका स्वागत है, आप हमारे साथ चलिए। और ये आपके मित्र हैं ये जो साथ में हैं? और जैसे ही संजीव ने ये बात सुनी, तब संजीव ने कहा, क्या आप इसे देख सकते हैं? और उस आदिवासी ने कहा, हाँ बिल्कुल, आत्मा है ना ये, हम आत्माओं को देख सकते हैं। और जैसे ही ये बात संजीव ने सुनी, तब संजीव ने कहा कि आप आत्माओं को देख सकते हैं, लेकिन कैसे? और इसके जवाब में उस आदिवासी ने कहा, जैसे आप देख सकते हैं वैसे हम भी देख सकते हैं, हम भी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, आप हमारे साथ चलिए। और फिर संजीव ने कहा, आप माफ़ करिए, मैं आपके साथ ज़रूर चलता, लेकिन हम यहाँ किसी ज़रूरी काम से आए हैं। असल में हमें यहाँ पर मौजूद एक जादुई पौधा चाहिए जिससे औषधि तैयार होती है। जैसे ही ये बात उस आदिवासी ने सुनी, उस आदिवासी ने कहा, क्या आप उस पौधे को लेकर आए हैं? लेकिन आपको इस पौधे की क्या ज़रूरत? और फिर संजीव ने कहा, हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक राजा है, उन्हें ज़रूरत है। और जैसे ही ये बात उन आदिवासियों ने सुनी, तब उनका जो खून था वो खौल उठा और उन्होंने गुस्से में कहा, क्या आप उस राजा के लिए हमारा वो कीमती पौधा लेने आए हैं? वो मतलबी दुष्ट राजा जिसकी वजह से हम लोग इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं,
अगर आप महान संत नहीं होते ना, और आप बजरंग बली की खोज में नहीं निकले होते, तो कसम से मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर देता कि हिम्मत कैसी हुई इस पहाड़ी में आने की, वो भी उस लालची दुष्ट राजा के लिए। और उस राजा के लिए इतना गुस्सा देखकर संजीव को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। और संजीव ने कहा, आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है, असल में हम लोगों की मदद करते हैं। उस राजा के बेटे की तबीयत खराब है और उसे औषधि बनानी है। उस औषधि को बनाने के लिए उस पौधे की ज़रूरत है और वही हम लेने के लिए आए हैं। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? और फिर उस आदिवासी ने कहा, गुस्सा होने वाली बात आपको पता भी है? उस राजा ने मेरे साथ क्या किया है? आपको पता नहीं होगा कि उसने मेरे कबीले के साथ कितना बुरा किया है। और फिर उस आदिवासी ने बताना शुरू किया, कई सालों पहले मैं और मेरे कबीले के लोग इस जंगल में खुशी खुशी रहा करते थे, और मैं इस कबीले का सरदार था। हमें जंगल में जीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, हम अपनी परंपराओं के साथ जीते थे। लेकिन यहाँ पर एक पौधा उगा करता था जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती था। उस कीमती पौधे पर बहुत लोगों की बुरी नज़र थी, लेकिन वो पौधा हमारी अमानत था। उस पौधे की रक्षा करना ही हमारा धर्म था। मेरे पूर्वज थे वो भी उसी पौधे की रक्षा करते थे, और जितने भी मेरे कबीले के लोग हैं सब उसी पौधे की रक्षा करते थे। एक दिन उस राजा को पता चल गया कि हमारे पहाड़ी में, हमारे इस पहाड़ी जंगल में कीमती जादुई पौधा मिलता है, और उस राजा ने अपने कई सारे सैनिक भेज दिए इस पहाड़ी जंगल में हमारे पौधे लेने के लिए। वो राजा हमारे पौधों को बेचकर पैसे कमाना चाहता था, और हम इसके सख्त खिलाफ थे। हमने उनके सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश करी, और जब वो हमें हरा नहीं पाए तो रात के अंधेरे में आकर उन्होंने हमारे कबीले में आग लगा दिया। हमारे पूरे कबीले के लोग जलकर मर गए, और साथ में मैं भी। और जैसे ही ये बात संजीव ने सुनी, तब संजीव के होश उड़ गए। और फिर संजीव ने कहा, इसका मतलब आप सभी आत्माएं हैं? और फिर उन आदिवासियों ने कहा, हाँ, हम सभी आत्माएं हैं। हम रात के वक्त हमारे जंगल में आते हैं और हमारे पौधे की रक्षा करते हैं, और जैसे ही सूरज की रोशनी यहाँ आती है हम गायब हो जाते हैं। और फिर उस आदिवासी ने कहा, बेहतर यही होगा कि आप उस राजा के चक्कर में ना पड़े, आप अपनी खोज में निकल जाइए, आप संसार का भला करिए, उस मतलबी राजा के लिए आप काम मत करिए। और फिर संजीव ने कहा, अरे मैं समझ सकता हूँ उस राजा ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन उसके बेटे की तबीयत खराब है, उसके बेटे की क्या गलती? और जैसे ही उस आदिवासी ने यह बात सुनी, तब उस आदिवासी ने कहा, अगर उसके बेटे की गलती नहीं है तो मेरे परिवार की क्या गलती थी? मेरी दो बेटियाँ थीं, मेरा एक बेटा था और मेरी एक बीवी थी जो कि जलकर राख हो गए। वो मेरी आंखों के सामने चीखते रहे, उनकी चीखें मेरी कानों में गूंजती रही, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। मैं खुद को ही नहीं बचा पाया तो अपने परिवार को कैसे बचा पाता? क्या मेरे परिवार की गलती थी या मेरी गलती थी कि मैं अपने धर्म को निभा रहा था? अगर हम सब युद्ध में मारे जाते तब हमें मुक्ति मिलती, लेकिन उस राजा ने हमें धोखे से मारा और हमारी आत्मा यहीं पर कैद हो गई। और फिर संजीव ने कहा, जो हुआ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। अगर मैं आपको मुक्त करा दूँ तो क्या मैं पौधे लेकर जा सकता हूँ? और जैसे ही ये बात उस आदिवासी ने सुनी, तब उस आदिवासी ने कहा, क्या आप मुझे और मेरे कबीले वालों को मुक्त करा सकते हैं? और फिर संजीव ने कहा, हाँ, कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। संजीव एक बार फिर से ध्यान अवस्था में बैठ गया और याद करने लगा अपने गुरुजी को कि उसके गुरुजी ने उसे गुरुकुल में क्या क्या सिखाया था। उसके गुरुजी ने एक दिन उसे सिखाया था कि आखिर किसी आत्मा को मुक्त कैसे किया जाता है। लेकिन संजीव को जो मंत्र थे जिनका जाप करना था वो याद नहीं आ रहे थे।
संजीव ध्यान लगा रहा था, वो अपने गुरुजी से बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी संजीव ने आंखें खोली, तब उसने देखा कि उसके जो गुरुजी थे वो उसके सामने थे। और संजीव के गुरुजी ने कहा, बड़े दिनों बाद याद किया बेटा, तुम्हें इन सभी को मुक्त कराने के लिए कुछ मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे, अगर ये सब मुक्त हो गए तब ये जो जादुई पौधे हैं ये उगना बंद हो जाएंगे और कुछ ही पौधे बच जाएंगे। संजीव के गुरुजी ने संजीव को वो सारे मंत्र बताए जिनका जाप करके वो आदिवासियों की आत्माओं को मुक्त करा सकता था, लेकिन साथ में ये भी बताया कि जैसे ही वो आदिवासियों की आत्मा मुक्त हो जाएगी वैसे ही धीरे धीरे करके वो जादुई पौधे भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और यही बात संजीव ने उन आदिवासियों को बताई। और फिर उन आदिवासियों ने कहा, आप हमें बस मुक्त करा दीजिए, हम काफ़ी सालों से भटक रहे हैं और भटकना नहीं चाहते। ये जो पौधे हैं ये आप ले जाइए, आप हमें सिर्फ मुक्त करा दीजिए। संजीव ने मंत्रों का पाठ करना शुरू किया और काफ़ी देर तक वो मंत्रों का पाठ करता रहा। तकरीबन 4 से 5 घंटे मंत्रों का जाप करने के बाद वो जो आदिवासी थे वो धीरे धीरे मुक्त होना शुरू हो गए और सब खुशी के मारे रो रहे थे। सबको इस जंजाल से मुक्ति मिल रही थी और वो आदिवासी धीरे धीरे करके गायब हो गए। और जाते जाते संजीव को आशीर्वाद देकर गए। विश्वजीत सब कुछ देख रहा था और वो हैरान था कि आखिर कोई इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वो संजीव की ताकत देखकर हैरान था। और फिर संजीव ने कहा, जल्दी से जल्द वो पौधा लेकर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये पौधे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। वक्त रहते उन दोनों ने वहाँ से कुछ पौधे निकाल लिए और कुछ पौधे अपने पास रख लिए और एक पौधा वो लेकर उस जंगल के बाहर गए जहाँ वो सिपाही इंतज़ार कर रहे थे उन दोनों का। और जैसे ही उन सिपाहियों ने संजीव के हाथ में वो पौधा देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। पौधे को लेकर राज दरबार में पहुँचे और जैसे ही राजा ने संजीव के हाथों में वो पौधा देखा तब राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और राजा ने कहा, क्या बात है, लाइए ये पौधा हमें दे दीजिए, हम इसे अपने राजवैद्य को देते हैं और वो औषधि तैयार कर देंगे। और जैसे ही संजीव ने ये बात सुनी तब संजीव ने कहा, नहीं ये पौधा आपको नहीं मिल सकता। और जैसे ही उस राजा ने ये बात सुनी तब वो राजा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और उस राजा ने कहा, लेकिन क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और फिर संजीव ने कहा, आपने उन कबीले वालों के साथ ठीक नहीं किया। और जैसे ही ये बात उस राजा ने सुनी तब उसका जो सर था वो शर्म से नीचे झुक गया और उस राजा ने माफ़ी मांगी, जिसके जवाब में संजीव ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप उन आदिवासियों की आत्माओं की शांति के लिए एक हवन करवाएं, तभी ये पौधा मैं यहाँ पर आपको दूंगा। और जैसे ही राजा ने यह बात सुनी वो मान गया और संजीव ने वह पौधा उस राजा को दे दिया। और इसी के साथ कुछ और लोगों का भला करते हुए संजीव और विश्वजीत अपने सफ़र में आगे बढ़ गए। हाँ, तो ये था पार्ट 5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसका पार्ट 6 जल्दी चाहिए तो आप भी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, मैं पार्ट 6 जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी नॉइज़ कभी कुछ, और ऊपर से ये गर्मी, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो वीडियो को सभी लाइक कर दें, और आप सभी को डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।